हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश रंजन वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो है हमारा जो क्वालिटी के 5 कोर टूल्स होते हैं उनमें से एक टॉपिक के ऊपर है। जो आज की वीडियो मैंने बनाई है वो PFMEA के ऊपर बनाई हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना, एंड तक देखना और समझना PFMEA क्या होता है, इसको क्यों करते हैं, कब करते हैं, इसको करने के क्या क्या प्रोसीजर हैं और जो इसमें सेवेरिटी, ऑक्योरेंस, डिटेक्शन, ये तीन चीज़ें होती हैं, इनको रैंकिंग किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को PFMEA का फॉर्मेट समझाऊंगा कि किस तरीके से किसी प्रॉब्लम के पोटेंशियल कॉज को फाइंड करते हैं और उसकी रेटिंग किस हिसाब से देते हैं, ऑक्योरेंस, सिवियरिटी एंड डिटेक्शन होते हैं, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, PFMEA एक सिस्टमैटिक टूल है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालाइज। यह PPAP का एक डॉक्यूमेंट भी है। यह फेलियर मोड को एनालाइज करता है कि कहां से आपका फेलियर हो रहा है। दोस्तों, प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस एक एनालिटिकल टूल है जिसका यूज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, जिसमें क्रॉस फंक्शनल टीम प्रॉब्लम के इफेक्ट, प्रोसेस के पोटेंशियल फेलियर मोड को एनालाइज करते हैं और इवेल्यूट करते हैं। यह एक टूल है जिसका यूज आइडेंटिफाई और रिस्क एरिया को प्रायोरिटाइज करने के लिए किया जाता है। यह प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल क्वालिटी फ्रेमवर्क को, बताता है क्या इसके चांसेस हो सकते हैं, कि कैसे ये प्रोसेस, फंक्शन, टूलिंग फेल हो सकता है और क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके प्रोडक्ट पे और आपके एंड यूजर पर, और कैसे पोटेंशियल फेलियर मोड को इलिमिनेट और कंट्रोल करेंगे। इसमें जो इनपुट लिया जाता है वो PFD के थ्रू लिया जाता है। PFD मतलब प्रोसेस फ्लो डायग्राम। इसमें जो सीक्वेंस स्टेप होते हैं उनसे पोटेंशियल फेलियर मोड को फाइंड किया जाता है कि आपके प्रोसेस में क्या क्या फेल हो सकते हैं। PFMEA सिस्टम प्रोडक्ट और प्रोसेस के प्रॉब्लम होते हैं उसको प्रिवेंट करता है ऑक्योर होने से पहले। ऐसा तरीका जिसमें कोई प्रोसेस और प्रोडक्ट फेल हो सकता है उसको फेलियर मोड बोलते हैं। सभी फेलियर मोड के पोटेंशियल इफेक्ट होते हैं, इसको 3 फैक्टर से इवेल्यूट किया जाता है। पहला होता है सेवेरिटी, जो कि मोस्ट सीरियस इफेक्ट होता है। दूसरा होता है ऑक्योरेंस, जिसको कि विफलता की संभावना बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और तीसरा होता है डिटेक्शन, पता लगाने की क्रिया बोलते हैं इसको। तो ये 3 फैक्टर होते हैं, इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो एक RPN नंबर जनरेट होता है, RPN नंबर, जिसको रिस्क प्रायोरिटी नंबर भी बोलते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं PFMEA का यूज कब किया जाता है, कब इसको बनाते हैं इस डॉक्यूमेंट को। जो पहला है वो है जब भी कोई न्यू प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है तब इसको यूज किया जाता है, इसको बनाया जाता है उसके पोटेंशियल फेलियर मोड को फाइंड करने के लिए। दूसरा है जब भी कोई करंट प्रोसेस में कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं काइजन के थ्रू या कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के थ्रू, तब PFMEA को बनाया जाता है, जब भी प्रोसेस में मॉडिफिकेशन करते हैं, प्रोसेस को चेंज करते हैं। जो तीसरा है वह है जब भी करंट प्रोसेस के इन्वायरमेंट और लोकेशन को चेंज किया जाता है तब भी FMEA का यूज किया जाता है, FMEA नया बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे FMEA के यूज, कहाँ कहाँ कब यूज करते हैं, कब बनाते हैं इसको। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग की प्रोसेस FMEA को करने के 10 स्टेप कौन कौन से होते हैं, कैसे हम लोग प्रोसेस FMEA को फॉर्मेट में बनाते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो होता है रिव्यू प्रोसेस और प्रोडक्ट। प्रोसेस और प्रोडक्ट को एक बार रिव्यू किया जाता है, जो PFD होता है उसके थ्रू इसको रिव्यू किया जाता है। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फेलियर मोड को आइडेंटिफाई किया जाता है। जो PFD के सीक्वेंस होते हैं उसमें हर सीक्वेंस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फेलियर मोड को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर तीसरे स्टेप में लिस्ट किया जाता है पोटेंशियल इफेक्ट्स को। फिर चौथे स्टेप में असाइन सेवेरिटी रेटिंग, जो सेवेरिटी होती है उस कितना हार्मफुल होता है उसकी रेटिंग दी जाती है। फिर पांचवा है असाइन ऑक्योरेंस रेटिंग,
फिर ऑक्यूरेंस की रेटिंग दी जाती है कि आप ये प्रोसेस में कितना मिल रहा है, कितना पाया जा रहा है। छठा स्टेप है, उसमें होता है एसाइन डिटेक्शन रेटिंग, इसमें डिटेक्शन की रेटिंग देंगे। उसके बाद जो सातवां स्टेप है उसमें आरपीएन नंबर को कैलकुलेट करते हैं, रिस्क प्रायोरिटी नंबर। फिर उसके बाद प्रायोरिटाइज फेलियर मोड फॉर एक्शन, जो टॉप में आता है, जो आरपीएन नंबर ज़्यादा आती है जिसको, उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है। उसके बाद उस पर एक्शन लेते हैं, फिर उसके एक्शन लेने के बाद फिर उसका आरपीएन नंबर निकालते हैं। तो ये 10 स्टेप होते हैं प्रोसेस एफएमयू को करने का। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि जो रेटिंग देते हैं हम लोग सिवेरिटी ऑक्यूरेंस और डिटेक्शन की आरपीएन नंबर निकालने के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिवेरिटी के बारे में बात करते हैं। सिवेरिटी मतलब गंभीरता होता है, किसी इफेक्ट के प्रॉब्लम की गंभीरता को मापा जाता है। मापने का तरीका रेटिंग के थ्रू, इसको रेटिंग दे करके उसकी कैटेगरी को डिवाइड करते हैं कि ये इस कैटेगरी में आता है तो इसकी रेटिंग इतनी होगी। चलिए समझते हैं, जो पहला, जब इसका रैंक 1 दिया जाता है, रेटिंग 1 नंबर दी जाती है, तब इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। नो इफेक्ट मतलब जो यूजर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है क्राइटेरिया को, एक तो कस्टमर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोसेस असेंबली उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो जो 1 नंबर की रेटिंग होती है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो कस्टमर को और ना ही असेंबली प्रोसेस में। दोस्तों जब भी एफएमईए का फॉर्मेट बनाया जाता है तब ये जो रेटिंग होती है दी गई है, जो सेवेरिटी ऑक्यूरेंस और डिटेक्शन की रेटिंग होती है, उसको आप लोगों को ध्यान से एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि उसमें क्या क्या नंबर देने हैं। उस हिसाब से आपका आरपीएन नंबर निकलेगा। तो ये जो रैंक दिए गए हैं, नंबरिंग की जाती है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि मेरे बताने से शायद आप लोगों को उतनी समझ में ना आए, इसलिए ये जो डिटेल्स लिखे हुए हैं ना, इनको आप लोग ध्यान से पढ़ना और समझ लेना इनको आप लोग। इसमें जो रेटिंग दी गई है, जो एक्सप्लेनेशन किया गया है इफेक्ट के बारे में और किस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप लोग इसको एक बार रिव्यू करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से ऑक्यूरेंस और डिटेक्शन की भी रेटिंग देने का तरीका आप लोग समझ लेना किस तरीके से देते हैं। उसके बाद आरपीएन नंबर निकलेगा आपका। दोस्तों जो ये रैंकिंग करते हैं हम लोग सेवेरिटी ऑक्यूरेंस और डिटेक्शन की, इसी पे सारा कुछ निर्भर करता है आपका। जब भी आप पीएफएमईए बनाएंगे तो इसकी रेटिंग कैसे देना है, अगर आप उसको समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी देने में। फिर आरपीएन नंबर की बात करते हैं अब हम लोग। आरपीएन नंबर क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड होता है, कुछ कंपनियां इसको, अगर आरपीएन नंबर आपका 60 आता है तो आपका प्रोसेस सही चल रहा है, कोई फेलियर के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आरपीएन नंबर 60 से ऊपर जाता है, 80 जाता है या 100 या उस हिसाब से जाता है, तो उस पे आप लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। कुछ कंपनियां आरपीएन नंबर 60 आता है उसको फॉलो करती है, 0 से लेकर 60 के बीच में है तो हमारा प्रोसेस मतलब कंट्रोल में है, और इस पे जो इसके फेलियर मोड है इस पे एक्शन लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ कंपनियां इसको आरपीएन नंबर 80 आता है तब एक्शन लेती है, या उससे ज़्यादा आते हैं तब, या कुछ 100 तक भी जाते हैं, ऐसा सब कंपनियों का अलग अलग स्टैंडर्ड है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं जो पीएफएमईए का फॉर्मेट होता है, जिसमें हम लोग जिसके थ्रू हम लोग जो इसके फेलियर मोड होते हैं उसको एनालिसिस करते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पहला इसके जो ऊपर के पॉइंट होते हैं उनमें आइटम, कोर टीम कौन कौन से हैं, प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हैं, कब डेट को किया गया था, पीएफएमईए नंबर, ये सारे डिस्क्रिप्शन दिए, इनको भरना पड़ता है। उसके बाद हम लोग आते हैं जो इसका मेन कैटेगरी होता है, वो होता है आपका जो पीएफडी होता है, पहला जो पॉइंट है प्रोसेस स्टेप, इसमें जो पीएफडी के सीक्वेंस है, स्टेप है, उनको लिख दिया जाता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या होती है उसमें भरा जाता है। फिर इसके पोटेंशियल फेलियर मोड को लिखा जाता है कि हमारा
जो ये प्रोसेस स्टेप है उसमें ये फेलियर आते हैं। अब उस फेलियर मोड का क्या इफेक्ट पड़ता है वो इसमें लिखा जाता है। उसके बाद उस इफेक्ट को कैटेगराइज किया जाता है सेवेरिटी की रेटिंग में, और सेवेरिटी की रेटिंग दी जाती है कि ये इस कैटेगरी में है तो इसकी रेटिंग इतनी होगी। उस हिसाब से पोटेंशियल फेलियर कॉज नीड इसका लिखेंगे क्या होता है। फिर उसके बाद कंट्रोल प्रिवेंशन कैसे करेंगे, फिर ऑक्यूरेंस की रेटिंग देते हैं, फिर कंट्रोल डिटेक्शन कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे, फिर डिटेक्ट करने के बाद उसकी रेटिंग डिटेक्शन की रेटिंग देंगे, फिर ये आरपीएन नंबर निकालते हैं हम लोग, रिस्क प्रायोरिटी नंबर। रिस्क प्रायोरिटी नंबर का फॉर्मूला होता है ऑक्यूरेंस इंटू सेवेरिटी इंटू डिटेक्शन, इसको निकाला जाता है तीनों को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद जो आरपीएन नंबर आता है उसके बाद उसके ऊपर रिकमेंडेड एक्शन लिया जाता है कि उस फेलियर मोड के इफेक्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और टारगेट कंप्लीशन डेट, इस डेट को करेंगे। उसके बाद फिर इसका एनालाइज किया जाता है, फिर से इसकी सेवेरिटी ऑक्यूरेंस और डिटेक्शन की रेटिंग दी जाती है कि हमने जो एक्शन लिया क्या वो सक्सेस है नहीं है। फिर आरपीएन नंबर निकाला जाता है, तो आरपीएन नंबर अगर जो आपका स्टैंडर्ड है कंपनी का स्टैंडर्ड उससे नीचे या उतना आ रहा है तो आप उस प्रोसेस को जो इफेक्ट हैं उनको आप लोग कंट्रोल में मानेंगे। तो ये है पीएफएमईए का फॉर्मेट। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि और लोग इसको समझ सकें। धन्यवाद।